हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज हमने बनाया है मिक्स फ्रूट रायता, बहुत डिलीशियस होता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही ली है, गाढ़ी वाली, घर की जमी हुई है ये दही। और दही को हम फेंट लेंगे अच्छे से, जब तक कि बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। आप चाहे तो इसे विस्कर की हेल्प से भी फेंट सकते हैं। मैं यहाँ पर लैडल से फेंट रही हूँ। और जब दही अच्छे से हमारी फेंट जाए इस कंसिस्टेंसी में, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा, इसे मैंने क्रश कर लिया था, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती मैंने बारीक काट लिया था। फ्रूट्स में मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रेप्स, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, इनके मैंने सीड्स रिमूव कर लिए थे। और हम फ्रूट्स में अनार भी ऐड करने वाले हैं, तो अनार मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़रूर ऐड करिएगा यदि आपके पास काली मिर्च का पाउडर हो तो, ना हो तो स्किप करिएगा। मिला लेंगे अच्छे से। ये जो रायता है दोस्तों, ये खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। इसमें मैं चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। यदि आपके फ्रूट्स मीठे ना हो तो आप इसमें शुगर या शुगर पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, तभी ये रायता अच्छा लगता है। और यदि फ्रूट्स मीठे हो बहुत ज़्यादा, तो आप मेरी तरह स्किप कर सकते हैं। और देखिए, गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे अनार ऐड कर दिए हैं, इससे ये रायता बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो टोटल जो फ्रूट्स हैं मैंने यहाँ पे 5 प्रकार के लिए हैं। और वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये खाने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे कभी कभी एक टाइम के मील के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक बाउल आप मिक्स फ्रूट रायता लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।